का 74वां दिन है आज। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध लगातार जारी है। किसानों ने कल चक्का जाम किया था। बड़ी और अहम जानकारी, किसानों की मांग, तीन नए कृषि कानून रद्द हो, मांग पूरी ना होने तक जारी रहेगा आंदोलन, ये किसान संगठनों की तरफ से कहा गया है। 74वां दिन है जब दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं। मौसम बदला लेकिन जो किसान है उनका रुख नहीं बदला। किसान अपनी बात पर अड़े हैं और उनका कहना है कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे घर वापसी नहीं होगी। किसान आंदोलन का 74वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध अभी भी जारी है, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर अलग अलग जगहें हो, जहां पंजाब में भी बहुत सारी जगहों पर किसानों के इस आंदोलन के समर्थन में धरना दिया जा रहा है। किसानों का विरोध जारी है और किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी उनका विरोध इसी तरीके से जारी रहेगा। 74वां दिन है जब दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल केंद्र बिंदु बना हुआ है गाजीपुर बॉर्डर इस आंदोलन का, जहां पर बड़ी संख्या में किसान लगातार पहुंच रहे हैं। किसानों ने कल चक्का जाम भी किया था, 3 घंटे का चक्का जाम उनकी तरफ से किया गया था। 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान आंदोलन का 74वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध जारी है। हालांकि किसान संगठन बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कल किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया था कि दबाव में कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार जरूर है, लेकिन दबाव के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। और उन्होंने कहा था कि आंदोलन यूं ही जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों को मान लिया जाता है। आपको बता दें कि 12 दौर की बातचीत किसानों और सरकार के बीच में हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। इसके बाद सरकार की तरफ से भी किसानों को प्रस्ताव रखा गया कि हम 1.5 साल के लिए इन कानूनों को होल्ड पे कर देते हैं, लेकिन किसानों की तरफ से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। किसानों ने कहा कि कृषि कानून रद्द होने से कम किसी भी शर्त पर वो नहीं मानेंगे और जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं होती इसी तरीके से वो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहेंगे, उनका विरोध जारी रहेगा। अलग अलग तरीके से किसानों ने अपने विरोध को दर्ज कराया है। कल चक्का जाम किया गया था। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यहां पर बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बुराड़ी में हिंसा करने वालों की तस्वीरें जारी की गई हैं। FRS तकनीक से पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। आरोपियों की पहचान, दिल्ली पुलिस ने 24 आरोपियों की तस्वीरें जारी की हैं और गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है पुलिस। 26 जनवरी को बुराड़ी में उपद्रवियों ने उत्पात मचाया था। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 26 जनवरी को जिन उपद्रवियों ने उत्पात मचाया था उनको लेकर तस्वीरें जारी की गई हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर पुलिस SIT की जांच जारी है। ट्रैक्टर परेड के दौरान जो बवाल हुआ उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है और उस दिन उत्पात मचाने वाले कुछ और आरोपियों की तस्वीरें जारी की गई हैं। अब इनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने बुराड़ी इलाके में हुई हिंसा के मामले में 24 तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में आरोपी लाठी डंडे लिए हुए तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रैक्टर परेड के दौरान उपद्रवियों ने लाल किला समेत कई जगह पर जमकर हिंसा की थी और पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया था, जिसमें 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। दिल्ली के बुराड़ी हिंसा और लाल किला हिंसा में शामिल करीब 150 गाड़ियों की पहचान हो चुकी है। इसी दौरान इन आरोपियों के चेहरे भी सामने आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं। लगातार इस हिंसा को लेकर पुलिस जो है वो तमाम CCTV कैमरे हैं, जो भी तस्वीरें मिल पा रही हैं, जो भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उन सबको जांच रही है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं जो कि बुराड़ी हिंसा में जो लोग शामिल थे, जो आरोपी शामिल थे, उनकी तस्वीरें सामने लाई गई है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग लाठी डंडे लिए हुए किस तरीके से साफ नजर आ रहे हैं। 24 आरोपियों की तस्वीरें जारी की गई हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 26 जनवरी को बुराड़ी में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था और उसकी तस्वीरें अब पुलिस की तरफ से वायरल की गई हैं, जो जारी की गई हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाठी डंडों के साथ लोग यहां पर पहुंचे हुए थे।